Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you. Go on. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you. Go on. Near, far, wherever you are, I believe my heart will go on and on. मैं जैसे अपनी आम जिंदगी में मैं जैसे वहाँ रहा हूँ इसी से ज़्यादा अम्बल हूँ, मगर वहाँ पे अगर छोटी बात करूँ 5-7 सप्ताह तो चुप रहा, देखता रहा उनको क्या कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, मगर टफ अनुभव था। मगर मुझे लग रहा था कि मैंने इतना किया, इतनी कोशिश की है कि पब्लिक थोड़ा सा और प्यार देगी, और वाकई उन्होंने प्यार दिया, यहाँ तक पहुँचाया। क्योंकि आप जानते हैं कि एक पहलवान को तो इतने लोग फॉलो करते हैं, बाकी जैसे टी वी पर्सनैलिटी थी, इंटरटेनमेंट वाले थे, मगर जितना प्यार दिया सब ने बहुत है। मगर लग रहा था कि शायद मतलब 1-2 में तो आऊँगा। वहाँ पर अगर अब मान लो मैं किसी के लिए कुछ बोलता हूँ, आपके लिए कुछ बोला, कल वो दोनों दोस्त हैं, मैं उन दोनों के लिए बुरा हूँ। मैंने सलाम को पहले भी दी मैंने सबको कि यार ये आप गलत कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, ठीक नहीं। और वहाँ पे सारा झगड़ा मतलब आप सब समझते हैं कि वबली होता था कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो मास्ता था। मैं सोचता था यार पता नहीं ये, फिर 5 मिनट में फिर सारे दोस्त हो जाते थे, तो मैं देखता रहता था। तो फिर मेरे हिसाब से मैं सोचता था कि यार नॉर्मल सी बात है, जो हैं कर रहे हैं करने दो, अपनी एक सलाह देता था फिर नॉर्मल बैठ जाता था। और यहाँ से बाहर से हम कुछ ही बोल सकते हैं, मगर अंदर रहना काफ़ी टफ था। सच बताऊँ कि अंदर रहना हर एक मिनट काफ़ी टफ था, कभी कुछ हो रहा था, और रिश्ते वहाँ पे दोस्ती हर 15 मिनट में चेंज हो रहे थे। अब वो मेरा दोस्त है, दूसरा आके अच्छा यार वो कर दिया, तीसरा क्यों कर दिया, चौथा क्यों कर दिया, और फिर जो मेरे दोस्त थे आधे से ज़्यादातर कैमरा होता है तेरी ये कर दूंगा, फिर दूसरी बार देखा तो बैठे हुए साथ में, मैं भी मतलब थोड़ा समझ देना टाइम लगा। हाँ, और एक मैंने एक बात बोली थी उसमें कि एक आदमी ठोकर खाए ठाकुर बन ही जाता है, स्टार्टिंग से मैं इनको समझने में लग गया। देख मुझे कहते थे देख दोस्त बी पॉजिटिव करता रहा तो 3-4 सप्ताह तू चला जाएगा। मगर वो सारे चले गए, मैं लास्ट तक बैठा हुआ था, तो मैंने सोचा अब तो जीत के ही आऊँगा। पर कोई नहीं है, टॉप 4 भी पहुँचा, बड़ी बात है। जो सबसे मुझे अच्छा लगा उस गेम में, एली अच्छी थी, काफ़ी फेयर खेली हो, एंडी भी काफ़ी इंटरटेनर था, एजाज भी इंटरटेनर था, नो डाउट। बाकी गेम के हिसाब से जैसे थोड़ा बोलना, ये सब बातें करना, थोड़ा सा करना, वो गेम के हिसाब से था। और सब एक्टर हैं, उनको उतना करना भी चाहिए था मेरे हिसाब से जितना वो कर रहे थे। पर कई बार और होता था, बाद में ये चीज़ थी कि पहले छोटी बात कहते थे हम, सबको अच्छी लगती थी, बाद में वो छोटी बातें काफ़ी हो जाती थी कि ये बड़ी है, ये छोटी है, ये नॉर्मल है। मैंने एक शो किया था सर्वाइवर, मैं सोचता था कि वो शो काफ़ी टफ है, मगर ये शो उससे ज़्यादा टफ था, टास्क के हिसाब से, या काफ़ी टास्क आए इसमें। एक डिब्बे वाला टास्क आया जिसमें बैठना था, जिसमें आप लू नहीं जा सकते, जिसमें आप पोटी नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं, काफ़ी टफ टास्क थे। तो काफ़ी कुछ सीखा मेरे हिसाब से, इसका फ़ायदा और एक बार की ज़िंदगी में होना चाहिए। क्योंकि अब तो 5 दिन तो ऐसा लगा कोई फ़ोन कर रहा है, कोई नॉमिनेशन प्लानिंग तो नहीं कर रहा है। 5 दिन तो ऐसा लगेगा, बाकी अच्छा था, काफ़ी थोड़ा वेट कम हुआ, और स्टार्टिंग में खाना बड़ा कम मिला, बाद में तो थोड़े फेस्टिवल आ गए तो थोड़ा खाना मिला। पायल मेरे साथ में है और मैं पायल के साथ में, मगर मैं भी दोस्त इतना बड़ा आदमी बना हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 1-2 साल में इतना बड़ा बन जाऊँ कि शादी कहने में 2 शब्द हैं, मगर शादी का बर्डन वाकई भारी है। कि जहाँ से मैं छोटे से गांव से मैंने अपना सफ़र तय किया कि मैं इतना करूं कि मैं 10-20-50-100-1000-2000 बच्चों की रोजी रोटियां जरिया बन जाऊं, और वही कोशिश कर रहा हूं मैं। मेरे हिसाब से लोगों ने इतना प्यार किया है कि मुझे फ़र्क नहीं लगा कि मैं कोई मतलब एक छोटा सा रेसलर हूं या मैं कोई क्रिकेटर हूं। देखो जो एक बिग बॉस के प्लेटफॉर्म तक आया उसने कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में काफ़ी अचीव किया है, और मैं आज भी समझता हूं कि 0 पे खड़ा हूं, भी कोशिश करूंगा कि मालिक कुछ करे तो थोड़ा सा और अच्छा करूं।